सुनना पड़ेगा मेरी बात को। महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की होगी तब की होगी, पर महात्मा गांधी की हत्या 1984 में तब की जब आपने सिखों का कत्लेआम इस हिंदुस्तान में किया था, जब आपने सिखों का कत्लेआम इस हिंदुस्तान में किया था। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ माधुरी सिंह। आज के प्राइम टाइम में हमारा आज का मुद्दा है ये कैसी माफ़ी। जी हाँ, हम उस माफ़ी की बात कर रहे हैं या उस खेद की बात कर रहे हैं जो सांसद साक्षी महाराज ने आज सदन में जताई है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज के गोडसे पर दिए बयान को लेकर संसद में कांग्रेस का विरोध आज भी जारी रहा। कांग्रेस सांसद लगातार साक्षी महाराज को निलंबित करने की मांग करते रहे। वहीं मामले को बढ़ता देख साक्षी महाराज ने आज अपने बयान पर खेद जता दिया, लेकिन इस दौरान वो कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। अरे मित्र, मेरे मित्र, सुनो सुनो सुनो, आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात को। महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की होगी तब की होगी, पर महात्मा गांधी की हत्या 1984 में तब की जब आपने सिखों का कत्लेआम इस हिंदुस्तान में किया था। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले उन्हें वापस लेता हूं। कुछ लोगों को कष्ट हुआ तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। जी हाँ, आपको बता दें कि साक्षी महाराज के इस बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा होता रहा। हालांकि भाजपा हो या कांग्रेस, सभी ने बयान की निंदा की है, पर साक्षी महाराज ने ठीक से निंदा नहीं की है। और आइए आपको सुनाते हैं कि साक्षी महाराज ने सदन में नाथूराम गोडसे को लेकर क्या कुछ कहा था। मुझे लगता है कि जो काम इस तरह के लोग कर रहे हैं उन्हें या तो इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति की जानकारी नहीं है, या जो लोगों की सोच से वो अभी के सांसद हैं सर, वो तो आपने किसी के सांसद मांगने के लिए, किसी के सांसद हो तो जरूरी नहीं है कि कहीं हम कह रहे। हमने कहा कि हम पूरी तरह से असहमति नहीं है, हम निंदा भी करते हैं इस तरह के बयान की। जिस तरीके से भाजपा के एक नेता ने गोडसे जी को देशभक्त कहा और जिस तरीके से इस राष्ट्र, हमारे राष्ट्रपिता का अपमान किया, मैं समझता हूं कि राष्ट्र का हर एक व्यक्ति इसकी घोर निंदा करेगा और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती इस देश में। तो दो दिनों से देश में लगातार ये चर्चा चल रही है कि साक्षी महाराज ने क्या कुछ कह दिया है, क्या कहा था दरअसल साक्षी महाराज ने, हम एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं। नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। महाराष्ट्र में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो कोई ऊंट को भगवान मान ले, कोई पत्थर को भगवान मान ले, कोई आपको भगवान मान ले, मैं क्या करूं? तो गोडसे की अगर कोई पूजा करना है तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक सकता उसको। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोके, प्रदेश की सरकार रोके। अगर गोडसे के प्रति किसी के मन में श्रद्धा है उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? मैं कोई जवाबदेह नहीं हूँ, उसके लिए केंद्र सरकार प्रदेश सरकार जवाबदेह हो सकती है, पर यह ठीक है मैं गोडसे को राष्ट्रभक्त नहीं मानता। तो आज के न्यूज पर आपने देख लिया कि क्या सब्जेक्ट हम लेने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रमोद तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे शंखलाल मांझी जो कि मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, सरकार के मंत्री हैं, और दूसरा के शुक्ला जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे लखनऊ स्टूडियो से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही फ़ोन लाइन पर हमारे साथ और भी उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े नेता जुड़ेंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली भाजपा के भी नेताओं को हम फ़ोन लाइन पर अपने साथ जोड़ें। सबसे पहले हम डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी से ये चाहते हैं कि जो जिस तरीके का बयान साक्षी महाराज ने दिया है उस पर वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, आज जो लोकसभा में साक्षी महाराज जी ने अपने बयान को लेकर के बयान जारी किया उससे महात्मा गांधी जी का और अपमान हुआ है। उन्होंने एक बात कही कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये मुद्दा सारे दलों से ऊपर उठ चुका है, ये राष्ट्र की आत्मा का मुद्दा है कि राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है, इसमें कांग्रेस भाजपा बसपा कोई दल की सीमा नहीं है। और आप कहते कोई मुद्दा नहीं, जिस देश की अंग्रेजों की गुलामी की लड़ाई किसी ने लड़ी हो, अपने को शहीद किया हो, उसको हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में मानते हों, उसका आप सरेआम अपमान कर रहे हो, फिर आप कहते हैं कोई मुद्दा नहीं। ये आज की तारीख में देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे आपकी जुबान ये आपको इजाज़त देती है, कैसे हमारे संविधान में आपको ये अधिकार मिल गया कि एक कातिल जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसको देश की न्यायपालिका ने फांसी की सजा दी, जिसको पूरी दुनिया ने दृष्टि से देखा कि ये व्यक्ति अपराधी है, उसको आप देश का राष्ट्रभक्त बताते हैं, और बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ आप थोड़ी देर में कहते हैं ठीक है मैं नहीं मानता, लेकिन आज तक आपने क्षमा नहीं मांगी। तो मैं ये कहता हूँ कि निश्चित तौर पर ये जो शब्द कहे गए, ये जो चीज़ कही गई, ये बात रखी गई, ये एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने रखी है, और राष्ट्र के राष्ट्रपिता का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, चलिए कांग्रेस पार्टी की तमाम राय जो है और भी कांग्रेस के नेताओं ने आज दिल्ली में बयान दिया है उनको भी हमने सुना है, लेकिन साथ ही हम जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या सोचती है, क्या उनको भी लगता है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, क्या थे वो। शंखलाल मांझी जी से जानना चाहेंगे वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, साक्षी महाराज के बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए ये साक्षी जी महाराज जो इन्होंने बयान दिया और जिन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था, अपने विचार हैं उनके या उनकी पार्टी का विचार है ये तो वो जानेंगे, उनकी पार्टी जानेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक कातिल को, और एक मामूली कातिल नहीं, जिसने देश के राष्ट्रपिता की हत्या की हो, ऐसे कातिल को अगर उनके श्रेणी में, वो राष्ट्रभक्त के श्रेणी में है जी, तो फिर कातिल और मुलजिम कौन रहेगा। ऐसे बयान देने वाले साक्षी महाराज के ये अपने बयान को केवल वापस ले लेने से नहीं, ये पूरा देश ये पार्टी से ऊपर उठ करके, जब आज पूरा देश इस बात के लिए क्षोभ है उसके अंदर, और वो पूरे राष्ट्र के सामने माफी मांगने के बजाय केवल शब्द वापस लेने की बात करते हैं, ये उनकी मानसिकता की देन है। ये राष्ट्रवादी, अपने को तथाकथित राष्ट्रवादी कहलाने वाले लोग ये भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, और इस धर्मनिरपेक्ष देश में एक कातिल को कातिल ही कहा जाएगा, उसको कभी राष्ट्रभक्त नहीं कहा जा सकता। मैं साक्षी महाराज को जो ऐसे कातिल को राष्ट्रभक्त कहते हैं, हम उनका घोर निंदा करते हैं, और ये मांग करते हैं। चलिए इस निंदा का जवाब के शुक्ला जी कैसे देंगे, भारतीय जनता पार्टी तब भी शायद कम होगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया है, आप तो निंदा कर रहे हैं, वो निंदा करना चाहते भी हैं कि नहीं, के शुक्ला जी से जवाब लेना चाहती हूँ। माधुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, जो आपने अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी दिखाया, वेंकैया नायडू ने, सभी नेताओं ने ऊपर से नीचे तक न सिर्फ निंदा की बल्कि इसके खेद व्यक्त किया और कहा कि इससे मैं अपनी पूरी असहमति जताता हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्य का कभी भी समर्थन नहीं करेगा, चाहे वो साक्षी महाराज ने दिया हो, चाहे किसी और ने दिया हो। जहाँ तक साक्षी महाराज जी के इस बात को कहने की बात है, तो अगर उनका वक्तव्य जो आप अभी दिखा रही हैं उसमें क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने कहा कुछ लोग उनको यदि मानते हैं तो मैं क्या कर लूं, मेरा इसमें क्या योगदान है। वो अपना अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं माननीय दीक्षित जी, ये बात सही है, वो राष्ट्रभक्त का शब्द लिया उन्होंने, आप इस बात को काहे झूठ बोल रहे हैं। किसी को मान रहे हैं साक्षी जी महाराज के बयान नहीं मानने वाले, आपकी पार्टी की बात हो सकती है, आपके नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या आप उनके बयान को सही ठहरा रहे हैं। साक्षी महाराज के बयान को मैं नहीं सही मानता हूं, कह रहे हैं ना विभेद कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। देश में लोकतंत्र है, यहां हर तरह के विचार के, राष्ट्रपिता के अपमान के लिए देश में कुछ बाकी बचा क्या, लोकतंत्र है, हर के विचार के लोगों की मान्यता है, यहाँ राम की भी पूजा करने वाले हैं, और कुछ लोग यहाँ पर रावण की भी पूजा करते हैं, आपको भी जानकारी राम और रावण को इस विवाद में क्यों कसते हैं, वालों की हम निंदा करते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का सीधा सीधा मामला है। चलिए के शुक्ला जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे ये बनता है जी, यही तो दीक्षित साहब का सोच है।
शुक्ला जी, यहाँ पे शुक्ला जी एक सवाल आपसे यहाँ पर ये बनता है, मुद्दे में राम को आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महत्वपूर्ण हैं और उस चाशनी से पूरे देश को जलाना चाहते हैं? के शुक्ला जी, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि उनके बारे में कोई भी उनसे जुड़े किसी मामले पर टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचना चाहिए? कम से कम एक ऐसे नेता को जो आपके यहां से आपकी पार्टी से सांसद हैं, 5 बार वो सांसद रहे हैं, एक जिम्मेदार नेता है वो, उनको ये बात कहनी चाहिए थी? राष्ट्र का निर्विवाद नेता नहीं, आपको लगता है उनको ये बात कहनी चाहिए थी? के शुक्ला जी, क्या वो इस बात को नजरअंदाज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे जी? उनका बयान एकदम, के शुक्ला जी, क्या वो इस बयान से बच सकते थे, नहीं बच सकते थे? बयान एकदम गलत है, उससे कोई भी नहीं, सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा हुआ है कि बार बार आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के सांसद कुछ ऐसा बयान क्यों देते हैं जिससे पूरे देश में सनसनी फैल जाती है? आखिर मकसद क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। वो ठीक है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, वो अपनी विचार रख सकते हैं, उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है? दहशत पैदा करना, दहशत गर्दी पैद को बढ़ावा देना ही इनका एकमात्र मुद्दा है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। महात्मा गांधी जी हो या कोई भी व्यक्ति, महात्मा गांधी अपने राष्ट्रपिता हैं, उनके विरुद्ध भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी निंदनीय है और 48 घंटे नहीं हो सकती जी, 48 घंटे बीच में, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी ने देश के सामने अपने विचार नहीं रखे, इस बयान की आलोचना की है। शुक्ला जी, 48 घंटे इस बयान के हो गए, पूरे देश की आत्मा आहत हुई है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी ने देश को अपना अपना रूप में रखा, ना अपना पक्ष रखा है, उस पार्टी का प्रभाव उनके ऊपर अभी है, ऐसे धीरे-धीरे समाप्त होगा। क्या मंशा है, क्या मंशा है भारतीय जनता पार्टी की? इनको अपने धर्म निरपेक्षता पर जिनको विश्वास ही नहीं है, जिनकी विश्वास, माधुरी सिंह जी जिनको, जिनका धर्म निरपेक्षता पर विश्वास ही नहीं है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, इस देश में दहशतगर्दी का बढ़ावा देना और उसके आड़ में सत्ता की भूख को पूरा करना, तो उनके लिए महात्मा गांधी जी के इस तरह के बयान देने के लिए इनको कोई अफसोस ही नहीं है। और यह अफसोस अगर है तो मैं मांग करता हूँ कि इस साक्षी महाराज को पार्टी से निकाला जाए उनके, और पूरे देश से ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से माफी मांगे तब भी कम है, मैं ये मांग करता हूँ जी। जी चलिए, ऐसे बयानों के पीछे क्या कोई सोच समझे रणनीति है? महाराज भाजपा की तरफ से कोई बयान देते हैं? क्यों ऐसे बयान देते हैं, क्यों ऐसे बयान देते हैं? आप लोग की ये साजिश है, आप लोग की ये चाल है, आप चाहते हैं कि देश में इस तरह से सनसनी फैलाया जाए, एक आदमी द्वारा इस तरह का बयान दिलाते हैं और दूसरी तरफ माफी मांगने की बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम सुनना चाहते हैं। शंखलाल मांझी जी और के शुक्ला जी, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम समझना चाहते हैं ऐसे मामले पर आजम खान का तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नहीं हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तुलना आजम खान साहब से नहीं हो सकता है। आप दिशा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं माननीय दीक्षित जी, दिशा को मोड़ने की कोशिश मत करिए। महात्मा गांधी जी, बापू जी इस देश के राष्ट्रपिता है, ये देश के राष्ट्रपिता के अपमान करके आप लोगों ने देश का अपमान किया है, आपको माफी मांगना चाहिए, आप साक्षी महाराज के बयान। आप हमारे दूसरे मेहमानों को भी मौका दें और हम जानना चाहते हैं प्रमोद तिवारी जी से कि आखिर बिटवीन द लाइंस वो कौन सी ऐसी बात है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं? प्रमोद तिवारी, जन्मदिन मनाने की बात करने वाले मोहम्मद आजम खान को पार्टी ने, आप सरासर, अरे भाई चलिए, हम भी आप लोगों के बीच में हैं, जरा हमारी बात भी आप सुन लीजिए। चलिए, प्रमोद जी, हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर बिटवीन द लाइंस वो कौन सी ऐसी बात है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही चर्चित नेता और सांसद हैं। योगी जी, आपका बहुत स्वागत है के न्यूज पर। बोलने की कोशिश करिए, हम लोग जानते हैं
भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों दे रहे हैं कि एक दूसरी कम्युनिटी को लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप और आपके नेता कुछ उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है बार बार? चलिए प्रमोद तिवारी जी, बिटवीन द लाइंस क्या ऐसी बात है जिसको लेकर के बार बार वो कुछ कहते हैं फिर उनको या तो माफी मांगनी पड़ रही है या खेद जताना पड़ रहा है? नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत ढंग से समझ लेना चाहिए कि ये पिछले 8-10 दिनों के अंदर ये दूसरा बयान हो गया जी। अभी जो पहला बयान विवादास्पद था उसको भी वो भी जिस मुंह से निकला वो भी भगवा वस्त्र धारण किए। अब आप शुक्ला जी जरा शांत हो जाए। शुक्ला जी हो गया, हो गया शुक्ला जी। आपके पास अगर इसका कोई रिकॉर्ड है कि दाऊद का पैसा लेकर के माननीय मुलायम सिंह का, आप बोलिए बोलिए आप जी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो साक्षी महाराज जी ने जो ये बयान दे दिया, अभी 4 दिन पहले साध्वी जी ने एक बयान दे दिया था जी। और दोनों ही बयान भारत जैसे देश में मतलब कितने गैर जिम्मेदाराना, यहाँ तक कि अपराध की कोटि में आ सकते हैं जी। अभिव्यक्त की यदि स्वतंत्रता है तो अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का जब कभी हनन होता है तो क्या इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है क्या जी? क्या इसकी कोई सजा नहीं है क्या? राजनीति में देखिए, साक्षी महाराज जी 5 बार MP हो गए, ये 5वीं बार सांसद बन के आए हैं। जो व्यक्ति 5 बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुका हो जनता की ओर से, वो आदमी अगर राष्ट्रपिता के हत्यारे को, छोड़िए राष्ट्रपिता के हत्यारे को, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी हत्या के ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है और जिसको माना गया कि इसने हत्या की है, उसको किसी भी तरीके से अगर वो उसके प्रति उनका झुकाव दिखाई पड़ता है। आज अगर आप देखें, दो भाव भंगिमा अभी अपन को देखने को मिली, एक तो मुख्तार अब्बास नकवी जी की, जिस समय वो कह रहे थे कि मैं निंदा कर रहा हूं, तो उनके चेहरे से ये मालूम पड़ रहा था कि वो व्यक्ति वास्तव में निंदा कर रहा है और वो आहत है। ये संसद में अभी साक्षी महाराज जी जिस तरीके से अभी अपना बयान वापस ले रहे थे, तो ऐसा मालूम पड़ रहा था जिसे बयान वापस नहीं ले रहे हैं एहसान कर, बिल्कुल प्रतिहिंसा जैसी बात कर रहे हैं जो वाक्य से हो रही है, महात्मा गांधी पे एहसान कर रहे हैं। एक तो ये दिल से मान लेना चाहिए इस राजनीति को, समूची राजनीति को। ये कोई पहला मौका गांधी जी को लेकर नहीं है। याद करिए, अगर कुछ वर्षों पहले हम चले जाएं, एक बयान और गांधी जी के लिए आया था कि वो शैतान की औलाद है। उस समय भी क्या ये जो कांग्रेस है, ये जो समाजवादी पार्टी है, उस समय समाजवादी पार्टी के रिश्ते जिस व्यक्ति ने या जिस मुंह से ये बात निकली थी उससे बहुत अच्छे थे। उस समय उन्होंने उसको उस पर कोई किसी भी तरह का रोष या प्रतिरोध नहीं किया। महापुरुषों का इस्तेमाल चाहे उनका ये मान कर लें चाहे ये अपमान कर लें, अपने हितों में करते रहते हैं। अभी आप एक बात कर रही थी कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे की मंशा ये तो यही लोग जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि साक्षी महाराज कोई नए बच्चे नहीं है, साध्वी जी कोई नहीं है, कोई नई बच्ची नहीं है। ये लोग इतनी बड़े स्टेज पर इस उम्र पे आकर और ये जानते हुए कि ये देश की राजनीति के बड़े अहम किरदार में हैं, इस समय देश ने बहुत दिनों के बाद में 20-25 वर्ष बाद आपको एक पूर्ण सत्ता दी है, और उस मौके पर हर 15 दिन 10 दिन 8 दिन के बाद एक ऐसा बयान आना जिससे सांप्रदायिक विभाजन का अंदेशा हो जाए, जाति ध्रुवीकरण का अंदेशा हो जाए। गांधी को गाली देना, नेहरू को गाली देना, कोई ये ना समझ ले ये किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति के प्रति विचार है। इनको जब कभी अपमानित किया जाता है तो इसके सहारे इनके अपमान से जो खुश होने वाली एक बहुत बड़ी जमात है उसका एक ध्रुवीकरण भी होता रहता है। तो ये सोची समझी अगर चाल नहीं है तो ये मूर्खता की हरकत है। प्रमोद तिवारी जी को सुना कि उन्होंने ये कहा कि जो सोची, शंकराल जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपकी बारी अब है, कहें आप अपनी बात। मैं जी जी नहीं, मैंने अपनी बारी, मैं तो अपनी बात ये कह रहा था जी। कि ये इनका एक सोच है, एक इनका एक षड्यंत्र है और एक साजिश है। उस साजिश के तहत अपने नेताओं से एक बयान ये दिलाते हैं जिससे समाज में सामाजिक समरसता पर आघात लगे, जिससे समाज में देश में दहशतगर्दी का एक माहौल बने, और उस दहशतगर्दी के माहौल बनाने वाले बयान देने के बाद ये धीरे से चुपचाप ऐसे ही एक शब्द में कह देते हैं कि हम उसको वापस लेते हैं। ये वापस लेकर के इनसे, इनका जो असली मकसद था, जो इनका असली षड्यंत्र है,
इस सूबे में, एक देश में जो दहशतगर्दी का जो माहौल बनाना चाहते हैं, ये सांप्रदायिकता के रंग में पूरे देश को रंगना चाहते हैं, ये मकसद है इनका, ये एक इनका साजिश है और उस साजिश का एक अंग है साक्षी महाराज जी। साजिश में आपको इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए, अब उसको पूरे देश को, शंखलाल जी आपको इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस बयान की निंदा की है, न सिर्फ इनके बयान की, साक्षी महाराज के बयान की, बल्कि निरंजन ज्योति के मामले में भी सबने अफसोस जताया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार ये कह देना कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए या बीजेपी का इससे सरोकार नहीं है, ये उनकी निजी राय है, ये उनकी निजी टिप्पणी है, इस पर के शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जी कि आज के ये जितने भी लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां दी, ये एक संत हैं और वो साध्वी हैं। संत और साध्वी एक एक एकदम बहता हुआ पानी होता है। ये अपने विचार जो है जो इनके दिमाग में आया, इन्होंने बोल दिया। इस देश के संत और साध्वी लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? ये आपने सुनाया अभी जो आपने साक्षी महाराज को, जो अभी आपने जो साक्षी महाराज का कैप्शन सुनाया, इस कैप्शन से हमें नहीं लग रहा है कि उन्होंने नाथुराम गोडसे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोक, मैं नहीं रोक सकता। उनको आपके नेता आलोचना कर रहे हैं माधुरी जी, इनके नेता आलोचना कर रहे हैं लोकसभा में, इसको बुरा मान रहे हैं। अभी शुक्ला जी यही नहीं समझ पाए कि उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। देखिए शुक्ला जी, मैं समझती हूँ कि आपने ठीक तरीके से साक्षी महाराज के दोनों बयानों को ठीक तरीके से नहीं सुना है। मुझे लगता है आपने उनके दोनों बयानों को ठीक से नहीं सुना है। हम चाहते हैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से, और खास तौर से के शुक्ला जी के लिए, साक्षी महाराज के दोनों बयानों को फिर से सुनवाते हैं। नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से, गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। महाराष्ट्र में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो कोई ईंट को भगवान मान ले, कोई पत्थर को भगवान मान ले, कोई आपको भगवान मान ले, मैं क्या करूं? तो गौड़से की अगर कोई पूजा कर रहा है तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक सकता उसको। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोके, प्रदेश की सरकार रोके। अगर गौड़से के प्रति किसी के मन में श्रद्धा है उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? मैं कोई जवाबदेह नहीं, उसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जवाबदेह हो सकती है। पर यह ठीक है, मैं गौड़से को राष्ट्रभक्त नहीं मानता। तो आपने जी प्रमोद, आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात को। महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की होगी तब की होगी, पर महात्मा गांधी की हत्या 1984 में तब की जब आपने सिखों का कत्लेआम इसे हिंदुस्तान में किया था। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले उन्हें वापस लेता हूँ। कुछ लोगों को कष्ट हुआ तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। चलिए, इतने अग्रेसिव होकर के वो ये कहते हैं कि मेरे मुंह से अगर कोई शब्द निकले तो खेत जताने का भी जो तरीका था वो भी जो है अपने आप में अनोखा था। जी प्रमोद जी, मैं ये कह रहा था कि अभी जो शुक्ला जी एक बात जिन्होंने शुरू की वो बात बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो हो नहीं पाई। दरअसल जब जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का नहीं है और किन्हीं कारणों से उस क्षेत्र में यदि उसको दाखिला दिलाया जाएगा और उसके लाभ लिए जाएंगे तो उसके दुष्परिणाम भी आएंगे। जी, ये दोनों साध्वी और साधु, इनका ये क्षेत्र है नहीं। दरअसल इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने उसका चोंगा पहन रखा, उस क्षेत्र में शायद ये उतना काम करते नहीं है, और जो इनका क्षेत्र नहीं है उसमें इनका पूरा व्यक्तित्व और इनका कृतित्व का प्रदर्शन है। ये जो विरोधाभास है वो इनकी जो सोच है उसका मखौल बना देता है। जो साधु का काम है, अगर देखिए साक्षी महाराज जी पाँचवीं बार हैं, अगर ये वास्तव में जनता से, संविधान से, देश की आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति होते तो निश्चित रूप से कम गांधी जी के को मारने वाले गोडसे के पक्षधरों वाली एक विचारधारा इस देश में अंदर अंदर चलती रहती है, जिसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो सार्वजनिक रूप से इस बात को कह सके, लेकिन वो चलती रहती है। ये उसी से ग्रसित है, ये भी अंदर से ये मानने वाले व्यक्ति हैं कि गोडसे ने ठीक किया था। और ऐसे एक ये नहीं है जी, इस पूरी राजनीति में एक, और पूरी राजनीति के बाद में जो हमारा पूरा समाज है
उन सारे लोगों के बीच में एक ये इस तरह की भी अंदर से अंतरधारा जो है वो हमको अक्सर समय समय पर सुनने को मिलती है। ये वो लोग नहीं हैं जिनके हाथों में राजनीति जैसी, जिससे कि हर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का जीवन, उसके विचार, उसका सब कुछ जुड़ा हुआ होता है, उन्हें सौंपा जाए। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब कभी चुनाव जीतने के लिए किसी के ओहदे का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी प्रतिभा का या उसकी छवि का इस्तेमाल किया जाएगा, भले ही वो राजनीतिक ना हो, फिर जब वो राजनीति में आएगा तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण अपने कार्यों से अपनी पार्टी को, पार्टी के नेताओं को मुश्किलों में डालेगा, और उसके बाद जब बात आगे बढ़ेगी तो कभी वो अपने प्रदेश को मुश्किल में डालेगा, कभी वो अपने देश को मुश्किल में डालेगा। इसलिए जो काम जिसका है वो काम उसे करना चाहिए, ये काम इन लोगों का है ही नहीं। और ये कितना हमको तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि जिसने जीवन में सब कुछ समाज से अलग हटके समाज के लिए अपने को समर्पित करने का काम किया हो, वो अगर आज की राजनीति में आके अपनी भूमिका बनाता है, चुनाव जीतता है, तो चुनाव जीतने में जो कुछ सबको करना पड़ता है वो सब इनको भी करना पड़ता है। तिवारी, तिवारी जी, तिवारी जी, ये भी सुधार करिए, ये वो भी नहीं जो दिखते हैं, ये छत में भेसी भगवादारी है, ये ना संत है ना साधवी, इनका आचरण अच्छा नहीं है, ये अपराधी मानसिकता के लोग हैं, अपराधियों को ही ये संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इनकी मंशा सामने आ गई है देश के सामने, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम शंखलाल मांझी जी से इस मुद्दे पर आखिरी उनकी टिप्पणी चाहते हैं कि बार बार जो दलील आ रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जो बेतुके बयान देते हैं, या बाद में समाजवादी पार्टी कहती है कि उनका ये निजी बयान था, इस पर वो क्या कहना चाहेंगे? आज ये विषय जो है, जिस विषय पर हम बैठे हैं जी, ये विषय आज यहाँ पर इस सवाल इसका नहीं है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता जो पंथ से, व्यक्ति जात से, जमात से, पंथ से ऊपर उठ करके जो पूरे राष्ट्र के लिए सर्वमान्य है, ऐसे नेता का अपमान की बात जहाँ हो रही हो, वहाँ पर एक सूबे की सूबाई हुकूमत तो लेकर के और उसके तुलना इधर से उधर करना, इस विषय को मतलब केवल इधर उधर गुमराह करने की बात है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि जो ये आज जो आप ये जो आज चर्चा सामने आई है, आज जो ये राष्ट्र के सामने एक सवाल खड़ा हुआ है, ये सवाल इस बात का नहीं है कि साक्षी महाराज ने क्या कह दिया जी। सवाल इस बात का है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष का जो धर्मनिरपेक्ष ये राष्ट्र है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में राष्ट्रवाद का जो ये अपने आप को ये भी राष्ट्रवादी कहते हैं, और ये इनका दल भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, क्या यही राष्ट्रवाद है? जिस राष्ट्रवाद में देश के सारे भावनाओं, पूरे देश की भावनाओं को आहत करके सारे देश को दहशतगर्दी फैला करके और पूरे देश के सामाजिक समरसता का ताना बाना जो है उसमें एक नई बात करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह की बात करने वाले लोग, चलिए ये आज की बात नेता है, वही है, एक सांसद वही है, अपनी बात कहना चाहूंगा, जन नेता वही है, सांसद वही है, लेकिन आजकल उनके बातचीत की शैली थोड़ी बदली हुई है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, ब्रेक के बाद भी हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने एक बार अपनी नई इच्छा जाहिर जी। चलिए, इस मुद्दे पर हम चाहते थे कि आजम खां, जो कि शहरी विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे हम बात करते हैं, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से साक्षी महाराज जी ने जो बयान दिया है और उसके बाद जिस तरीके से पूरे उन्होंने बयान पर ठीक तरीके से खेद भी नहीं जताया है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? हेलो जी, देखिए असल में जब से चुनाव हुए हैं, जीतने से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने खास एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया, और वो एजेंडा विघटन का है, तोड़ने का है, जोड़ने का नहीं है। चाहे साक्षी जी का बयान हो, साध्वी जी का बयान हो, बिहार के मेंबर पार्लियामेंट का बयान हो, और उसके बाद इन लोगों को सम्मानित भी किया गया, वजीर बनाया गया दोनों को, तो ये एक सिलसिला है अपने एजेंडे को किस तरह लागू किया जाए और किस तरह लोगों तक अपने एजेंडे का संदेश पहुंचाया जाए।
तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि अनजाने में कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सीजनड लीडर हैं। उनके बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि उन्होंने अचानक खेती होगी। अब सिर्फ ये दिखती है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी उसकी ही एक शाख है, वो ये देखती है कि हमारे ऐसा कह देने से आम आदमी की नफ्स का टेम्परेचर क्या है। उन्होंने इस तरह के बयानात पहले भी दिए हैं, लेकिन ये बयानात इसलिए ज़्यादा तकलीफ देह हो गया कि वो एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं जो पार्टी से, धर्म से, जात से ऊपर उठकर होते हैं, और केंद्र में मंत्री रहने के नाते उन्हें जाहिर है इस बात का पूरा इल्म होगा। आज़म खान साहब, और इस मूवमेंट से भी जुड़े हैं कि जनता, आज़म खान साहब उन्होंने ये कहा है कि देश की जनता चाहती है कि राम मंदिर बने, ये उन्होंने ये नहीं कहा है कि राम नाईक वो स्वयं चाहते हैं कि राम मंदिर बने, उन्होंने कहा देश की जनता चाहती है। बुजुर्गों से हमने एक मिसाल सुनी है कि चाहे कान इधर से पकड़ लो या कान उधर से पकड़ लो, अब देश की जनता का नाम लेकर अपने मन की बात कहना, अपना पॉलिटिकल एजेंडा जाहिर करना, ये कान जरा घुमाकर पकड़ने के बराबर है। मेरे ख्याल से उन जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को ये बात इसलिए भी नहीं कहना चाहिए थी क्योंकि मामला प्रिजुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, और सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ ये जेर बहस है, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, स्टे है सभी लोगों को कि कोई अपना कब्जा भी नहीं ले सकता, हालांकि अयोध्या में 3 हिस्सों में जमीन तकसीम कर दी गई है, इसके बावजूद भी वहाँ स्टे है। तो उन्हें प्रिजुडिस मैटर पर अपनी राय इतने खुले अंदाज में नहीं देना चाहिए थी। वैसे जाहिर है वो महामहिम है, उन पर कोई कटाक्ष नहीं किया जा सकता, वो जो कहेंगे वही इंसाफ कहलाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे और लौटेंगे तो बात करेंगे राम नाईक के राम की। मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इस प्रकार की भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए।